हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं इनफ्लोरेसेंस। हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में जब रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी शुरू करी तो हमने एक छोटे से फ्लावर को लेकर के सबसे पहले शुरुआत करी। अब हम पहुँच चुके हैं, एक छोटे से फ्लावर से काम नहीं चलने वाला, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स और इनफ्लोरेसेंस। तो आज हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, या यूँ कहें कि इनफ्लोरेसेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि फ्लावर के बारे में अभी पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ था पिछले सेशन में। तो फ्लावर के कुछ पार्ट्स यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो सबसे ज्यादा एसेंशियल हैं, एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो फ्लावर के हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपने वर्ल्ड्स के बारे में समझ लिया है कि एक्सेसरी वर्ल्ड्स होते हैं और एसेंशियल वर्ल्ड्स होते हैं, तो एक्सेसरी वर्ल्ड्स को तो हमने पढ़ लिया, अब एसेंशियल वर्ल्ड्स को पढ़ेंगे और उसके बाद चलेंगे इनफ्लोरेसेंस के साथ। तो इनफ्लोरेसेंस को भी आज हम जानने वाले हैं कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स किस तरह से अरेंज हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लावर जरूरी नहीं है कि एक सिंगल फ्लावर ही रहेगा, कई बार फ्लावर गुच्छे में आते हैं। ये देख लीजिए गुच्छा, आपको समझ में आ गया होगा कि इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। पुष्प क्रम भी बोलते हैं, पुष्प मंजरी कह सकते हैं। तो ये वो चीज है जहां पर सारे के सारे फ्लावर एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। किस किस पैटर्न में यूनाइट होते हैं वो भी आज हम जानेंगे। तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों, जो बच्चे आज पहली बार मेरे सेशन में आए हैं उनके लिए माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज प्रदीप सिंह। माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टॉट, द स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी हैं तो सिर्फ आप हैं, और सिर्फ आप ही की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि आप मेरे सेशंस को पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है, तो मैं सेशंस को लेकर के आता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं टेलीग्राम ऐप के थ्रू। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं। देखिए, टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह दिखता है। गो टू एनी ब्राउजर, से फॉर एग्जांपल गूगल, और गूगल ब्राउजर में जा करके आपने टाइप करना है tinyurl.com/neetlivechat। कोई स्पेस नहीं देना है इसको। जैसे ही आपने टाइप किया, यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ग्रुप। आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे और आपको सारे के सारे अपडेट्स आपकी क्लासेस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। ये तो बात हो गई अपडेट की। मान लीजिए अपडेट आपने देखा और ध्यान नहीं दिया, बाय चांस कहीं बिजी थे, मिस हो गया, तो आप कहां ढूंढेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, एक और ऑप्शन है जहां पर आपको सारे के सारे सेशंस एट ए प्लेस दिखाई पड़ेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको गूगल में जाना है एंड टाइप करिए tinyurl.com/neetmobile। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस वंडरफुल ग्रुप, जहां पर आपको इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे के सारे चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज डिस्कोर्स दिखाई देगा। सो इस लेआउट में देख लीजिए बच्चों, ये रहे चैप्टर के नाम, लेक्चर वाइज आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से डायरेक्टली पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका काफी वक्त बचने वाला है इसके थ्रू से। अब बात कर लेते हैं इंडिया के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसको हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ। यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर्स। यूट्यूब पर भी इंटरैक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, लेकिन यहां पर वो लिमिट खत्म हो जाएगी और आप इंटरैक्ट कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द सेशन। इसके अलावा लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड से आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करते रह सकते हैं, और टेस्ट सीरीज और एनालिसिस के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को और सॉलिड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स तो होने हैं, लाजमी है, जो पढ़ेगा उसको डाउट जरूर आएंगे। तो डाउट के आने से भी ज्यादा जरूरी है डाउट्स को क्लियर करना। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको यहां पर मिलते हैं। इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा 50-60 अदर कोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग अप, और कुछ कोर्सेज अपकमिंग भी हैं, जैसे कि आप देख लीजिए। सो फॉर नीट 2021 द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of March। तो इस ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड कोर्स है ये, सैटरडे एंड संडे में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। आवर का जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल उतना ही है जितना आपको नॉर्मल वीकडे बैचेस में मिलता है। बेनिफिट ये है कि आप अपने पूरे वीक के स्केड्यूल को डिस्टर्ब बिना किए हुए आप अपना कोर्स कंप्लीशन कर सकते हैं हमारे साथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की क्लासेस होंगी सैटरडे संडे में। टाइमिंग आप देख लीजिए, आपके सामने है, तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप ऑल्सो। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं इंस्टॉल कैसे करना। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन आएंगे प्लस,
फिर नीट एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे क्लिक किया, ये प्राइसिंग वाला पेज आ जाएगा। यहाँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। रिमेंबर दैट द लॉन्गर द ड्यूरेशन द मोर कॉस्ट इफेक्टिव इट इज़। और अगर मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो यूज़ करना ना भूलिएगा कोड प्रदीप लाइव। लेकिन लॉजिक इतना ही है कि मेरे सेशंस आपको पसंद आने चाहिए, तभी यूज़ करिएगा कोड प्रदीप लाइव। यू विल ऑल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दिस। चलिए बच्चों, तो शुरू कर देते हैं आज का अपना लेक्चर, लेक्चर 8 इन फ्लोरेसेंस। और शुरू करने से पहले एक बार मैं देखना चाहूंगा कौन कौन से बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, प्राची, शाहजहान, मैनुद्दीन, वेलकम बेटा, डॉली, श्रवण, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो जरूरत है प्लस देते रहने की, इसके लिए मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। आप इसका बिल्कुल ख्याल रखें और समझते रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। दिव्या, अनुष, श्रेष्ठा, सृष्टि, शिखा, बहुत बहुत स्वागत है। गायत्री, दानिका, वैष्णवी, मयूरी, हिमांशु, अर्शदीप, अलीना, भाई क्या बात है। एंड ऑल दोज स्टूडेंट, दोज हु आर डिवोटिंग फ्लावर्स एंड इनफ्लोरेसेंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू उमर फॉर द हार्ट्स। वैष्णवी, नमस्ते बेटा। उत्कर्ष, थैंक यू फॉर द रोजेज। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आप लोग काफ़ी मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं आज के इस सेशन में। सो दैट मींस काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो ये ऑलरेडी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए बच्चों, आज बात कर लेते हैं अपने बचे हुए फ्लोरल पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसको हम एक एसेंशियल वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो फ्लावर कंप्लीट भी नहीं होगा, इसके अलावा फ्लावर रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। सो एंड्रोशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए फ्लावर में एंड्रोशियम किस तरह से दिखता है। आपने बहुत सारे फ्लावर ऑब्जर्व किए हुए हैं तो जानते हैं कि स्टैमेन किसको कहा जाता है। सो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। अब क्वेश्चन है कि स्टैमेन भी तो एंड्रोशियम ही हुआ, तो एंड्रोशियम अलग टर्म क्यों है, स्टेमन अलग टर्म क्यों है? देखिए बच्चों, स्टेमन एक यूनिट का नाम है, स्टेमन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको कलेक्टिवली एंड्रोशियम ही बोला जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी फ्लावर में होगा उसको एंड्रोशियम बोला जाएगा। एंड्रोशियम इज वन वर्ड, टेक्निकल वर्ड फॉर दैट वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड को एंड्रोशियम बोला जाता है। लेकिन अगर उसमें एक एक मेंबर को आप एग्जामिन करेंगे, किसी में एक होंगे, दो होंगे, चार होंगे और ज़्यादा हो सकते हैं। कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टैमेन, और उस वजह से उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है। हालांकि वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ज़रूर हैं, उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर ज़रूर दिया, लेकिन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उनका बहुत हिट नहीं रहा, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे उसके। तो आप समझ गए आप एंड्रोशियम और स्टेमेन में डिफरेंस। एंड्रोशियम का मतलब है वो पूरा का पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है वो पूरा सर्कल, क्योंकि हमने फ्लोरल एक्सिस में देखा था कि हर चीज़ सर्कुलर वे में ही रहती है, तो इसी वजह से उनको वर्ल्ड बोलते हैं। सो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, फर्स्ट लाइन देख लीजिए, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर स्टेमेंस, उसमें एक या एक से अधिक स्टेमन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेमन की, एक एक स्टेमन की। ईच स्टेमन हैज गॉट टू पार्ट, एक फिलामेंट होता है, दूसरा एंथर होता है। सो एंथर इज दिस फर्टाइल पार्ट, ये वाला पार्ट एंथर कहलाता है, और ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है जो एंथर को होल्ड करके रखता है वो फिलामेंट है। दो ही पार्ट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। अब बात कर लेते हैं कि एंथर इज जनरली बाइलोबेड, एंथर में ज्यादातर दो लोब होते हैं। देख लीजिए आप, दो लोब देख रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट आपको दो लोब दिख रहे हैं ज्यादातर। यानी कि इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ दो लोब ही होंगे, कम भी हो सकते हैं। सो जनरली बाइलोबेड होता है, मैक्सिमम में बाइलोबेड है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 12th के स्टैंडर्ड में। नाउ ईच लोब एनक्लोजेस टू माइक्रोस्पोरेंजिया, इनमें से हर एक लोब के पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। देख लीजिए, ये एक लोब है, यहां से लेके यहां तक एक लोब है, इधर से लेके इधर तक ये दूसरा लोब है। एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इधर भी दो हैं, इधर भी दो हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, उसके अंदर पोलेंस का डेवलपमेंट होता है। नाउ पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन ईच वन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इट इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो चैप्टर भी मैं पढ़ा चुका हूं, यू कैन रेफर देयर फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस। अब देख लीजिए कुछ स्पेशल कंडीशंस। इफ द स्टेमन इज स्टेराइल, स्टेमन तो है लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल है,
यानी कि उसके ऊपर जो एंथर वाला पोर्शन है उसमें पॉलेंस का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, या यूं कहें कि वो डेवलप ही नहीं हुआ, सिर्फ है, तो उस स्टेमन को क्या बोलेंगे? द स्टेमन इज स्टेराइल एंड डज नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को नहीं प्रोड्यूस करता, तो उसको कहा जाता है स्टैमिनोड, इट इज नोन एज स्टैमिनोड। देख लीजिए इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, यहां पर देख लीजिए फर्टाइल वाले हैं सेंटर में, और ये देखिए साइड में ये जो लगे हुए हैं ये वाले, दीज आर स्टैमिनोड्स, सो दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर स्टेराइल, या यूं कह लीजिए कि एक तरह का वेस्टिजियल स्ट्रक्चर ही है, किसी काम का नहीं है, जस्ट प्रोड्यूस्ड है, सो दे आर नोन एज स्टैमिनोड्स। नाउ इफ द स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स, यूजुअली इनको अटैच होना चाहिए थैलमस के साथ, दैट इज द वे, क्योंकि थैलमस के ऊपर ही सारे के सारे वर्ल्ड्स एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन अगर स्टेमन अटैच हो गया पेटल के साथ क्या करेंगे, कंडीशन है उसको एक नाम से जाना जाएगा, एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं उसको, दैट इज एपीपेटलस कंडीशन। ये देख लीजिए एपीपेटलस कंडीशन, ये देखिए यहां से चिपके हुए हैं, समझ में आई बात, पेटल के साथ चिपक गए, सो दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द पेटल्स। ये वाला भी सेम वही है, देख लीजिए यहां पेटल्स के साथ में ये इनका इमर्जेंस हो रहा है, दे आर अटैच टू द पेटल्स, नीचे की जगह अटैच होने की जगह पेटल्स में अटैच हो गए, तो एपीपेटलस कंडीशन बोला जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि पेटल एक्चुअली सिर्फ पेटल के फॉर्म में नहीं होता, वो टेपल होता है, टेपल का मतलब हो गया कि सेपल और पेटल दोनों फ्यूज हो गए, सेपल ग्रीन पार्ट और पेटल कलरफुल, दोनों फ्यूज हो गए, अब वो क्या बन गया, टेपल बन गया, या पेरियंथ बोल सकते हैं, उस वर्ल्ड को हम पेरियंथ बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम पेटल वाले वर्ल्ड को कोरोला बोलते हैं और सेपल वाले वर्ल्ड को कैलिक्स बोलते हैं, लेकिन अगर दोनों फ्यूज हो गए तो उस वर्ल्ड का नाम पड़ जाता है पेरियंथ, और पेटल्स की जगह या सेपल्स की जगह आ जाते हैं टेपल्स। पेरियंथ एक ही होता है क्योंकि वो वर्ल्ड है, पूरे के पूरे वर्ल्ड का नाम है पेरियंथ, उसका एक एक यूनिट टेपल होगा, समझ में आई बात, तो टेपल्स होंगे उसमें। ऐसे कंडीशन में अगर आपका स्टेमन किसी भी फ्लावर में इमर्ज कर रहा है पेरियंथ से या टेपल से, लिली वाली फैमिली में ये देखा जाता है क्योंकि लिलीज में पेरियंथ पाया जाता है, लिलिएसी फैमिली या लिली की जो फैमिली है, वहां पर हम इस कंडीशन को एपीपेटलस नहीं बोलेंगे, एपीफाइलस बोलते हैं, एपीफाइलस, दिस इज द कंडीशन इफ दे आर अटैच्ड फ्रॉम द टेपल्स, जस्ट लाइक दिस वन, जैसे यहां पर पेटल्स के साथ अटैच है वैसे ही वहां पर टेपल्स के साथ, यहां पर पेटल्स है क्योंकि यहां पर पेटल के साथ सेपल अलग है, देख लीजिए ये सेपल है, इसके पीछे ये जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको ये पार्ट, ये सेपल है फ्लावर का, और ये फ्लावर का क्रॉस सेक्शन है, छोटे छोटे फ्लावर को भी क्रॉस सेक्शन करके बॉटनी की क्लासेस में देखा जाता है, यहां पर भी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन की नहीं लेकिन सिंपल डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि फ्लावर जरूरी तो है नहीं सारे बड़े बड़े होंगे, कि सारे ही रेफ्लेशिया अर्नोल्डी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, काफी बदबूदार होता है वो, तो छोटे फ्लावर भी होंगे, तो छोटे फ्लावर के अंदर भी तो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, तो उनको भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, या बात कर लें वुल्फिया, जो पूरा का पूरा प्लांट ही छोटा सा है उसमें भी फ्लावर आता है बच्चों, और उसके स्ट्रक्चर को भी देखा जा सकता है अंडर अ माइक्रोस्कोप। यहां तक समझ में आया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नाउ वेदर द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड और अटैच्ड टू अ कॉमन स्टॉक, स्टेमन अलग अलग निकले हुए हैं या एक साथ फ्यूज हैं या किसी कॉमन स्टॉक के साथ फ्यूज हैं, इस कंडीशन को देख करके एंड्रोशियम को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है कि फ्यूजन है या एक साथ हैं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक तो सिंगल बहुत रेयर होते हैं, स्टेमन एक तो बहुत रेयर होता है, तो यानी कि स्टेमन जो है एक से ज्यादा जब होंगे तो क्या वो एक साथ हैं, आपस में अटैच हैं या अलग अलग हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले तो ये कंडीशन आ गया पॉलीएंड्रस स्टेमन्स। पॉलीएंड्रस कंडीशन का मतलब होता है वो सारे आपस में अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं। इफ द स्टेमन्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द फ्लोरल वर्ल्ड, अदर फ्लोरल वर्ल्ड से भी अलग हैं, एक दूसरे से भी अलग हैं, देख लीजिए ये अनोखा अनोखा तरीका, आपको इसमें जो है ओवरी स्टिग्मा स्टाइल समझ में नहीं आ रहा कहां पर है, यानी कि गायनोशियम तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन है ये वाला पोर्शन, देख लीजिए सेंट्रल पोर्शन, रेस्ट ऑल ऑफ देम व्हाट यू सी हियर आर द स्टेमन्स, तो ये स्टेमन सारे बिखरे हुए हैं, तो ये कैसा कंडीशन है, ये पॉलीएंड्रस कंडीशन है। देखा किसमें जाता है, कॉमन एग्जांपल है कॉर्कोरस, कॉर्कोरस का मतलब होता है जूट,
कॉर्कोरस जूट का नाम है, साइंटिफिक नेम जीनस इट इज कॉर्कोरस, याद रहेगा। सो जूट के फ्लावर में देख लीजिए, ये जूट का फ्लावर है, बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, उस फ्लावर को मैग्नीफाई करके यहाँ पर आपको दिखाया गया, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एक कॉमन वैरायटी है जूट की, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, फाइबर यील्डिंग क्रॉप, जूट आप अच्छे से जानते हैं। इस टर्म कॉर्कोरस को याद रखिएगा क्योंकि ये नीट में आ चुका है, ये टर्म इस कंडीशन के लिए नहीं, किसी और कंडीशन के लिए जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो जरूर बताएंगे, अभी सिर्फ इतना कि कॉर्कोरस यानी कि जूट, इसको जहन में बिठा लीजिए, फाइबर यील्डिंग क्रॉप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मोनाडेल्फस स्टेमन, तो आपने अभी इसके पहले कौन सा देखा, सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन, अब हम कौन सा देख रहे हैं, यूनाइटेड वाला कंडीशन। तो मोनाडेल्फस, द फिलामेंट्स ऑफ ऑल द स्टैमेन इन अ फ्लावर आर फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल बंडल, सारे के सारे फिलामेंट्स फ्यूज हैं, यानी कि एंथर फ्यूज हो ना हो जरूरी नहीं, क्योंकि एंथर फ्यूज हो नहीं सकता, फिलामेंट अगर सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, एक सिंगल बंडल बनाते हैं या एक स्टैमिनल ट्यूब के साथ सारे के सारे अटैच्ड हैं, ऐसे कंडीशन को मोनाडेल्फस स्टैमन कंडीशन बोला जाता है। तो देख लीजिए बच्चों, ये है हिबिस्कस, हिबिस्कस का ये जो सेंट्रल एक्सिस है आप देख रहे हैं, इसको हम स्टैमिनल ट्यूब बोल सकते हैं। इसी ट्यूब में आगे चल करके देख लीजिए, आपको यहाँ पर ओवरी के पार्ट यानी कि स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी नीचे की तरफ होगी, नहीं दिख रही है, बट स्टिग्मा एंड स्टाइल इज विजिबल। उसी के साथ ये सारे के सारे स्टैमन एक ही एक्सिस पर देख लीजिए अटैच्ड है, तो इस कंडीशन को मोनाडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। किस में पाया जाता है, हिबिस्कस में पाया जाता है, यानी कि चाइना रोज। दूसरा एक और एग्जांपल है एबल मॉस्चेस एस्क्यूलेंटस, यानी कि ओकरा या भिंडी, देख लीजिए ये भिंडी, तो ये जो भिंडी का फ्लावर है इसमें भी जो मेल पार्ट यहां अंदर निकल रहा है, फ्लावर थोड़ा सा इसका बड़ा ही होता है लेकिन सिंगल फोटो उस तरह की नहीं मिली, सिमिलर होता है ऐसा ही कंडीशन कि एक साथ अटैचमेंट है, तो मोनाडेल्फस स्टेमन बोला जाएगा। एबल मॉस्चेस भी याद रखिएगा, हिबिस्कस आपको ऑलरेडी याद है, एबल मॉस्चेस याद रखिएगा, भिंडी, एबल मॉस्चेस एंड हिबिस्कस ये दोनों के दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, मालवेसी फैमिली। सो हिबिस्कस एंड एबल मॉस्चेस बोथ ऑफ देम बिलोंग टू मालवेसी फैमिली, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये फैमिली कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं कि मालवेसी फैमिली में मोनाडेल्फस स्टेमन पाए जाते हैं ज्यादातर केसेस में। अब बात कर लेते हैं डायाडेल्फस, डायाडेल्फस नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि दो पार्ट में होना चाहिए, तो देख लीजिए द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन आर फ्यूज्ड इनटू टू सेपरेट बंडल, टू सेपरेट बंडल, एक बंडल में एक सिंगल दिख रहा है और देखिए एक बंडल में बाकी सारे हैं, तो यूजुअली नाइन होते हैं इसमें, यहां पर नाइन होते हैं, यहां पर वन होता है, ये कंडीशन भी हम पढ़ेंगे जब हम फैमिली के बारे में बात करेंगे। अभी देख लीजिए दो गुच्छे आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, एक गुच्छे में कुछ ज्यादा ही है, एक गुच्छे में अकेला है, तो लेकिन है तो दो गुच्छे में, तो डायाडेल्फस कंडीशन, और ये डायाडेल्फस कंडीशन फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है, फैबेसी फैमिली में देखा जाता है जिसमें पी पाइजम सेटाइवम बीन ये सारी जो हैं आ जाती हैं, पीज एंड बीन्स दे ऑल बिलोंग टू फैबेसी फैमिली। फ्लावर को देख लीजिए, सो दिस इज द फ्लावर, इसमें स्टैंडर्ड कील ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं पेटल्स में, स्टैंडर्ड कील विंग्ड पेटल्स, एक अनोखे टाइप का ये अरेंजमेंट है। इसके बाद बारे में हम एस्टिवेशन में भी बात कर चुके हैं कि वेक्सिलरी एस्टिवेशन है ये, एस्टिवेशन आप जानते ही हैं अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, किस तरह से आपस में अरेंजमेंट है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आपने मोनाडेल्फस कंडीशन देख लिया, डायडेल्फस देख लिया, अब एक और देख लेते हैं पॉलीआडेल्फस, पॉलीआडेल्फस यानी कि दो से अधिक गुच्छे हो सकते हैं, ये देखिए ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियरली समझा देगा कि एक गुच्छा है, दो गुच्छा है, तीन, दो से जैसे ही अधिक हो गए, तीन हो गए या चार हो गए, जितना भी हो, तो ये पॉलीआडेल्फस कंडीशन बोला जाता है। सो हियर फिलामेंट्स आर फ्यूज टूगेदर इनटू मोर देन टू बंडल्स, सिट्रस इज वन सच कॉमन एग्जाम्पल, ये देख लीजिए सिट्रस यानी कि ऑरेंजेस, ये ऑरेंज का फ्लावर है, इसके अंदर कंडीशन देख लीजिए, गुच्छे में है, अलग अलग ग्रुप में, इतना क्लियरली यहां दिखाई नहीं दे रहा, देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप, सो समवट लाइक दिस, अगर उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सो द स्ट्रक्चर इज समवट लाइक दिस, इसको बोलते हैं पॉलीआडेल्फस कंडीशन। समझ में आ गई बात यहां तक आपको स्टेमन के बारे में। अब बात कर लेते हैं साइज के हिसाब से, अभी तो अटैचमेंट के हिसाब से था, अब बात कर लेते हैं साइज के हिसाब से, बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्टेमन दे आर ऑफ टू टाइप, लेंथ छोटी है या बड़ी है उसके हिसाब से, डीडाइनेमस, देख लीजिए ये टर्म डीडाइनेमस,
टर्म्स जरूर इनको नोट कर लीजिएगा और एक बार करके देखते रहा करिए तो आपको ये दिमाग में फिट हो जाएंगे. डिडाइनमस, इन सच फ्लावर देयर आर फोर स्टैमंस वेयर टू आर लॉन्गर एंड टू देन द अदर टू. दो लंबे हैं दो छोटे हैं, तो ये डिडाइनमस कंडीशन है. देख लीजिए ये दो एक ही साइज के हैं और ये दो जो हैं एक साइज के हैं. दिस इज डिडाइनमस कंडीशन. कौन सी फैमिली में देखने को मिलता है? लैबिएटी फैमिली, जिसमें सेल्विया है. सेल्विया में एक टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन से रिलेटेड अनोखा स्ट्रक्चर होता है. देख लीजिए एक ये जो है बड़ा वाला यहां तक है और छोटा वाला यहां तक है, बाकी दो और दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पिक्चर में. टर्न पाइप मैकेनिज्म यानी कि एक लीवर मैकेनिज्म है, पॉलिनेशन का एक अनूठा उदाहरण सेल्विया पेश करता है. इसी तरह से ल्यूकस, ल्यूकस देख लीजिए ये ल्यूकस के प्लांट है और उसके फ्लावर किस तरह से आ रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस में और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि देख लीजिए एक फ्लावर तो है नहीं, पूरा का पूरा गुच्छा है. इनफ्लोरेसेंस काफ़ी डिटेल में है, आज शुरू तो हम ज़रूर कर देंगे बट आई डोंट थिंक कि आज हम इनफ्लोरेसेंस कंप्लीट कर पाएंगे. अगले सेशन में भी आपको इनफ्लोरेसेंस के लिए ज्वाइन करना ही पड़ेगा. सो दिस इज डिडाइनमस कंडीशन, समझ भाई. अब आ गया एक और कंडीशन टेट्राडाइनमस. टेट्रा का मतलब होता है चार. इफ इन सच फ्लावर देयर आर सिक्स स्टेमेंस वेयर द आउटर टू आर शॉर्टर देन द इनर फोर. इनर फोर जो हैं बड़े हैं, आउटर टू इसमें शॉर्टर होते हैं, सिमिलर टू दैट प्रीवियस वन. ये देख लीजिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर में, ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये बड़े बड़े हैं और ये देखो एक छोटा है, एक पीछे की तरफ भी एक छोटा है. तो दिस इज नोन एज टेट्राडाइनमस. मेंबर्स ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली लाइक मस्टर्ड एंड रेडिश, ये दोनों इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं. तो वो देख लीजिए बच्चों, वो मस्टर्ड का फ्लावर है यानी कि इनफ्लोरेसेंस है, काफी सारे फ्लावर हैं, और ये जो है ये वाइल्ड रेडिश जंगली मूली का फ्लावर है. देसी मूली का मुझे मिला नहीं, तो मुझे यही जंगली मूली वाला मिला, तो मैं इसको लेकर के आ गया. क्योंकि यहां पर बच्चों जब हम बात करते हैं फ्लावर्स की तो हम सारे के सारे प्लांट जिनको हम अनवांटेड भी कहते हैं उनमें भी इंटरेस्ट हमारा हो जाता है, क्योंकि फ्लावर उनके भी यूनिक हो सकते हैं. इस वजह से हम चाहे वो कल्टीवेटेड वैरायटी हो चाहे वाइल्ड वैरायटी हो, कोई भी प्लांट अनवांटेड नहीं है. बॉटनी लवर्स विल नो दिस थिंग फॉर श्योर. और बॉटनी को तो आपको लोगों को लाइक करना ही चाहिए, क्योंकि प्लांट हैं तभी हम हैं, है बात कि नहीं. थोड़ा सा मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है, यानी कि कुछ लाइक्स और बढ़ने चाहिए. लेट मी हैव अ लुक. अलीना, जोया, शहजहान, वैष्णवी, चलिए बच्चों, सुमन, श्रवण, सत्यम, एस सीरीज ज्यादा है आज के क्लास में मुझे जैसा लग रहा है. हाँ जी श्रवण, जंगली मूली खाइएगा नहीं इसको. गायत्री, ऑल राइट. चलिए बच्चों समझ में आ गई बात यहां तक. तो डिडाइनमस देख लिया, टेट्राडाइनमस देख लिया. इन सारे टर्म्स को आपको एक बार कहीं नोट करके फिर गो थ्रू जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसे टर्म है तो कभी कभी ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं. एंड्रोशियम का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब बात कर लेते हैं अपने गाइनोशियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में. वर्ल्ड जिसको बोल सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, ये भी अगर एक सिंगल है तो भी गाइनोशियम, दो हैं तो भी गाइनोशियम. यानी कि सिंगल है तो सिंगल कार्पल बोलेंगे और दो हैं तो कार्पल्स बोलेंगे, लेकिन गाइनोशियम टर्म तो एक ही होगा क्योंकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है. वर्ल्ड मतलब समझ गए, वही सर्कल. उस सर्कल में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो देख लेते हैं. यूजुअली एक देखा जाता है फ्लावर में. सो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मतलब होता है वही चक्र. तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर. इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल्स. इसमें एक या एक से अधिक कार्पल हो सकते हैं, तो वो कार्पल्स के हिसाब से काम हो जाता है कि एक है तो कार्पल, ज्यादा है तो कार्पल्स. लेकिन गाइनोशियम हमेशा गाइनोशियम ही रहेगा, गाइनोशियम्स नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है. नाउ ईच कार्पल इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट. हर एक कार्पल को तीन पार्ट में हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला हो गया स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी. अब क्वेश्चन है कि फिर ओवरी ऊपर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जहां पर सीड का फॉर्मेशन होगा या फ्रूट बनेगा, तो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, या ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. यानी कि इसकी जो टिप होती है उसको बोलते हैं स्टिग्मा. दिस टिप, दिस इज द स्टिग्मा, और ये जो लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है दिस इज द स्टाइल, और ओवरी बिल्कुल नीचे होगी. अब ओवरी के पोजीशन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि ओवरी सुपीरियर कैसे होती है, इन्फीरियर कैसे होती है, सेमी इन्फीरियर या सेमी सुपीरियर कैसे होती है.
एंड ओवरी के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन, वो भी कल के सेशन में हम आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस जरूर पढ़ेंगे। तो ये हो गया पार्ट हमारे गाइनोशियम का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में भी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्पल्स द ओवरी कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्पल ओवरी कौन कौन सी टाइप की हो सकती है, देख लीजिए। मोनोकार्पिलरी, जिसमें ओनली वन कार्पल होगा। इसके अलावा बाई कार्पिलरी, सो इसको दे देते हैं नंबर वन, इसको दे देते हैं नंबर टू, इसको दे देते हैं नंबर थ्री। तो तीन तरीके से ये हो सकती है। तो मोनोकार्पिलरी, ओनली वन कार्पल, किसमें पाया जाता है, पी या बीन में ओनली वन कार्पल का विधान है। फ्लावर के संरचना में ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए, पी एंड बीन के फ्लावर कुछ ऐसे दिखते हैं। इसके अलावा बाई कार्पिलरी, यानी कि टू कार्पल्स आर देयर। तो टू कार्पल्स किसमें दिखते हैं, मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो मैं आपके लिए टोमेटो का फूल लेकर के आया हूं, ये देख लीजिए, ये टोमेटो का फ्लावर है। टोमेटो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं इसके ग्रीन कलर के ये जो हमारे कैलिक्स दिख रहे हैं, यानी कि सेपल्स दिख रहे हैं, ये रहेंगे क्योंकि सोलानेसी फैमिली में परसिस्टेंट कैलिक्स पाए जाते हैं, रह जाते हैं लास्ट तक। बैंगन का देखिए, बैंगन का क्राउन, वो जो मुकुट है, वो कैलिक्स ही तो है। तो इन फैमिलीज के बारे में भी अभी चर्चा हम करेंगे इसी चैप्टर में। काफ़ी डिटेल्ड, काफ़ी बड़ा चैप्टर है इनफैक्ट, हम इसको अगर बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी की तो, राइट। तो बाई कार्पिलरी समझ गए, मस्टर्ड में पाया जा सकता है या टोमेटो में पाया जा सकता है। इसके अलावा ट्राई कार्पिलरी हम पाते हैं कुकरबिटा में। कुकरबिटा यानी कि घिया, लौकी, तोरी, कद्दू, इनकी जो फैमिली है उसमें पाते हैं। और लिलिएसी फैमिली यानी कि लिलीज में भी ट्राई कार्पिलरी पाते हैं। सो देख लीजिए, ये लिली है, दिस इज लिली, दिस इज ट्राई कार्पिलरी। समझ में आ गई बात, यानी कि थ्री कार्पल्स आर देयर। अब इसके बाद बात करते हैं पेंटा कार्पिलरी वाली। तो पेंटा कार्पिलरी इज नंबर फोर, एंड देन मल्टी कार्पिलरी मोर देन पेंटा इज नंबर फाइव। पेंटा को क्या कहेंगे, अलग अलग हैं तो क्या कहेंगे, ये देख लीजिए। सो दिस इज द एरियल पोर्शन, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच की पांचों ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, लेकिन नीचे की तरफ सारा का सारा फ्यूज्ड कंडीशन है। तो दिस इज पेंटा कार्पिलरी, क्योंकि कार्पल इसमें पांच हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टी कार्पिलरी, जिसमें बहुत ही ज्यादा हैं, मेनी कार्पल्स हैं। तो ये पाया जाता है पेपेवर में। पेपेवर हैं, पूरा का पूरा रिंग बना के रखते हैं वो पूरा सेंट्रल पोजीशन में। मल्टी कार्पिलरी यानी कि मेनी कार्पल्स हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब बात कर लेते हैं पॉली कार्पिलरी, पिस्टिल कैन बी, यानी कि जो वन है या टू है या थ्री हैं उनमें तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, लेकिन वन से ज्यादा तो पॉली कार्पिलरी ही हो गई। तो अगर उनमें फ्यूज्ड हैं या सेपरेटेड हैं तो उनको क्या कहा जाता है, राइट। सो दे कुड बी एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब है कि फ्री कंडीशन है, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है। फ्री कंडीशन ऑफ द कार्पल इज टर्म्ड एज एपोकार्पस। एग्जाम्पल रेननकुलस, तो देख लेते हैं रेननकुलस दिखता कैसे। ये देख लीजिए, ये रेननकुलस फ्लावर्स हैं, ये कुछ कुछ रोज जैसे दिख रहे हैं लेकिन रोज नहीं है, अलग अलग कलर्स में आते हैं। दिस इज रेननकुलस, समझ में आ गई बात। तो रेननकुलस में कैसा कंडीशन पाया जाता है, एपोकार्पस कंडीशन पाया जाता है। और अगर एक साथ फिक्स्ड हैं तो सिनकार्पस कंडीशन, यूनाइटेड कंडीशन ऑफ द कार्पल इज नोन एज सिनकार्पस कंडीशन। एग्जांपल हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज, इसके बारे में हमने अभी बात करी कि देख लीजिए कंडीशन कैसा होता है। सो दिस इज सिनकार्पस कंडीशन, क्योंकि ये पांचों के पांचों जो यहां पर आपको फाइव पार्ट में दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल में नीचे की तरफ से। याद रखिएगा सिनकार्पस और याद रखिएगा एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब है कि फ्री है। ये सेम डिस्कशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम एक बार फिर समझते हैं और वहां पर भी एग्जाम्पल दिए हुए, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। यहां तो हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके आगे की फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी यहां नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए एक अलग चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, तो वही उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनफ्लोरेसेंस की, पुष्पक्रम यानी कि फ्लावर किस तरीके से लगे हुए हैं, इसको बेस्ड करके हम जो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस है क्या, देखिए हमने अभी डिस्कशन किया था जब फ्लावर के बारे में पढ़ा था कि फ्लावर क्या है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, कॉन्डेंस्ड मॉडिफाइड शूट,
यानी कि शूट पार्ट को कॉन्डेंस कर दिया गया, तो वो एक फ्लावर के लिए कंडीशन था। तो किसी किसी प्लांट में एक एक फ्लावर अलग अलग निकलते हैं, तो उसमें हम उसको कॉन्डेंस मॉडिफाइड शूट कह सकते हैं। लेकिन किसी किसी वैरायटी में क्या देखा जाता है, बहुत सारे फ्लावर एक साथ निकलते हैं अलग अलग पैटर्न में, किसी में बीच में से निकल रहे होते हैं और किसी में बीच वाला एक बार ख़त्म हो जाता है, फिर साइड 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 निकल रहे होते हैं, तो कोई यूं जा रहा होता है, कोई यूं फैल रहा होता है, कोई एक ही तरफ फैल रहा होता है, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग तरीके हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन है एन एक्सिस बियरिंग फ्लावर्स इन अ पर्टिकुलर फैशन, an axis bearing flowers in a particular fashion is called an inflorescence. तो बच्चों जब हमने फ्लावर के बारे में बात करी थी तो फ्लावर के स्टॉक के बारे में बात करी थी, फ्लावर के स्टॉक को पेडिसल बोलते हैं, लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, पत्ती के स्टॉक के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, सो व्हाट डू वी कॉल दिस स्टॉक ऑफ अ लीफ। पूजा हेलो बेटा, अलीना यस वी विल लर्न अबाउट इनफ्लोरेसेंस, बिल्कुल, कोरिएंडर ओके ओके शिखा गुड, अम्बल इनफ्लोरेसेंस इसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम अपने आगे के सेशन में। चलिए बच्चों लाइक तो होता ही रहना चाहिए, और मुझे तुरंत पार्ट का नाम बता दीजिए, पत्ती में जो एक छोटी सी डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल तो हमने बात कर ली, फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं पेडिसेल, दैट्स गुड, पेटियोल एंड लैमिना दो पार्ट होते हैं लीफ में, तो पेटियोल बोलते हैं, देखिए वो भी पी से है, पेटियोल और पेडिसेल फ्लावर की स्टॉक को बोलते हैं। अब लेकिन जो इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक होगा उसको बोलते हैं पेडंकल, उसको बोलते हैं पेडंकल, उसको पेडिसेल नहीं बोलते, पेडंकल बोला जाता है। सो पेडंकल इज दैट एक्सिस विच इज द एक्सिस ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। तो अब बात कर लेते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो देखिए बच्चों इनफ्लोरेसेंस को मेनली थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है, इसके बाद बहुत सारे टाइप हैं, इनके अंडर में बहुत सारे सब टाइप हैं, एक एक सब टाइप को हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कई बार ऑप्शन में डाल देते हैं अलग अलग टर्म्स जिनको सुन करके आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको भी हम करेंगे। पहले हम ये बेसिक टाइप देख लेते हैं कि रेसिमोज, साइमोज एंड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले रेसिमोज, नाउ रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बीच में डिफरेंसेस हम जानेंगे। सबसे पहले जो है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ लेते हैं। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कैसा इन्फ्लोरेसेंस है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि एक एक्सिस है, यानी कि टर्मिनल बड कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कि जो सेंट्रल पोजीशन होता है वो एक्सिस ऐसे 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 से ग्रो करती ही जाती है, साइड में से ब्रांचेस निकलती जाएंगी लेकिन मेन एक्सिस ग्रो करती जाएगी कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए यहां पर फ्लावर, देखिए ये फ्लावर निकल गया साइड से, ये निकल गया, फिर ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, लेकिन सेंट्रल पोजीशन इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, तो इसमें ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है, या यूं कहें कि एक लंबी बाली जैसा बनता चला जाता है और ऐसे करके पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि बीच वाला जो है वो अभी तो इमेच्योर है। सो दिस इज नोन एज द रेसिमोस। रेसिमोस काफी कॉमन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस ग्रो करती ही रहती है। जब इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन अभी पहले रेसिमोस को समझ लेते हैं। तो यहां पर द टर्मिनल बड कंटिन्यूज टू ग्रो, द मेन एक्सिस हैज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी कि इसकी जो बीच की एक्सिस होती है, जो पेडंकल है, उसकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन फिर क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कि सर अगर ग्रोथ कंटिन्यूअस होगी तो कितना लंबा हो जाएगा स्ट्रक्चर। हाँ जी बिल्कुल, ग्रोथ कंटिन्यूअस है तो स्ट्रक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा होगा नहीं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन की भी बात है, तब तक तो फ्लावरिंग सीजन ही खत्म हो जाएगा। यानी कि ग्रोथ होते होते, प्लांट के बारे में भी हम बात करते हैं कि प्लांट में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या कि प्लांट जो है पूरा अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा? नहीं, उसका एक लाइफ स्पैन है, ग्रोथ का एक पैटर्न है और एक टाइम है, इतनी देर में ग्रोथ होगी, तो उसी हिसाब से उसकी लाइफ साइकिल भी चलती रहती है। तो या यूं हम बात करें रेसिमोज में, यूं तो वो इनडिटर्मिनेट है लेकिन एक साइज तक ही जाएगा, ये तो है नहीं कि 10 फुट का लंबा हो जाएगा, किसी में हो भी सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जब तक फ्लावरिंग सीजन है तभी तक फ्लावर्स ओपन होते रहेंगे, फटाफट फटाफट नीचे वाले के फ्लावर ओपन होते जा रहे हैं, उपते जा रहे हैं और ऊपर उसकी ग्रोथ होती जा रही। तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिमोस। रेसिमोस को याद रखिएगा, बिल्कुल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, रेसिमोस। मैं इसको याद करता था रस्सी जैसा, रेसिमोस रस्सी जैसा लंबा, तो चलता चला जा रहा है। नाउ फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ओल्डर फ्लावर एट द बेस, ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ एंड यंगर फ्लावर एट द टिप। इसको बोलते हैं एक्रोपीटल, एक्रोपीटल सक्सेशन, यानी कि नए नए फ्लावर ऊपर की तरफ ही निकल रहे हैं, एक्रो टिप की तरफ नए नए फ्लावर निकल रहे हैं, पुराने फ्लावर जो हैं जो पहले आ गए हैं ओल्डन फ्लावर वो बेसल है, बेस की तरफ है। दूसरा इसका ऑपोजिट है बेसिपिटल, दूसरे में देखेंगे, जिसमें ऊपर वाला तो खत्म हो गया, पहले निकल गया, इसके बाद साइड साइड से निकलते हैं, तो वो ऐसे 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 स्प्रेड करता जाता है, समझ में आई बात। नाउ फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल। एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर रहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज एक्रोपिटल सक्सेशन, लेकिन फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हो गया, सेंट्रीपिटल का मतलब हो गया आउटर या बेसल फ्लावर, जो नीचे की तरफ फ्लावर हैं वो आउटर हैं, वो बाहर की तरफ फ्लावर मान लिए जाते हैं, दे ओपन फर्स्ट। सीधी सी बात है, यानी कि एक्रोपिटल पहले आया ये वाला तो ओपन भी होगा, फिर ये वाला आया ये ओपन होगा, फिर जो जो जैसे जैसे आता जाएगा वो उसी हिसाब से ओपन होते चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल कंडीशन। फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल, आउटर या बेसल फ्लावर ओपन फर्स्ट एंड द सेंट्रल फ्लावर ओपन लास्ट, क्योंकि वो ग्रो ही लास्ट में कर रहा है, क्योंकि ग्रो कर रहा है एक्रोपिटल सक्सेशन में। समझ में आ गई बात। तो कई टर्म्स हैं बच्चों इसमें, इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार इन टर्म्स को आपको बता रहा हूं। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल, एक्रोपीटल सक्सेशन। अब ये एक्रोपीटल सक्सेशन है कैसा, तो एक्रो सक्सेशन का मतलब एक के बाद एक आना, क्रम जिसको बोलते हैं, तो एक्रोपीटल क्रम में ये अरेंज है। किस तरह का क्रम है, ओल्डर फ्लावर नीचे बेस की तरफ हैं और यंगर फ्लावर ऊपर टिप की तरफ हैं। जाहिर सी बात है यंगर फ्लावर ऊपर ही होंगे, क्योंकि उसमें तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, वो तो ग्रो करता जा रहा है, तो साइड वाले नीचे वाले फ्लावर पहले आ रहे हैं, फिर लास्ट वाला फ्लावर सबसे आखिरी में आएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। और फ्लावर की ओपनिंग कैसे हुई, ओपनिंग जाहिर सी बात है एक्रोपीटल में जो नीचे आया था पहले, वो पहले खुलेगा, फिर यहाँ बीच वाला खुलेगा, फिर ऊपर वाला खुलेगा, फिर टिप वाला तो आखिरी में जाके खुलेगा, और टिप वाला इनफैक्ट कभी खुलेगा ही नहीं, वहाँ पर तो थोड़ा सा मेरिस्टमैटिक टिश्यू रह ही जाएगा। तो इस ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर को बोलते हैं सेंट्रीपिटल ओपनिंग, सेंट्रीपिटल ओपनिंग, यानी कि बाहर की रिंग जो है पहले ओपन हो रही, फिर अंदर 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 चला जा रहा है, तो इस वजह से इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल है फ्लावर की ओपनिंग, और फ्लावर का अरेंजमेंट है एक्रोपीटल। अरेंजमेंट इज एक्रोपीटल, ओपनिंग इज सेंट्रीपीटल। अरेंजमेंट इज एक्रोपीटल, ओपनिंग इज सेंट्रीपीटल। किसमें, रेसिमोस में। तो रेसिमोस में एक्रोपीटल सेंट्रीपीटल दो चीजें पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद रहेगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला, हमारा जो नेक्स्ट है वो है साइमोस। तो साइमोस, अब इसके बाद बच्चों रेसिमोस में काफ़ी सारे टर्म्स हैं, मतलब उसमें भी क्लासिफिकेशन है, उन क्लासिफिकेशंस को डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, आज अब समझ लेते हैं साइमोस के बारे में। इसमें क्या है कि जब ग्रोथ हुई उस एक्सिस की, तो सबसे पहले बीच में एक फ्लावर आ गया, सबसे पहले बीच में एक फ्लावर आ गया, ये देख लीजिए। सो दैट मीन्स द टर्मिनल बड बिकम्स अ फ्लावर, जो बीच का होता है सेंट्रल पोजिशन होता, सबसे पहले वही बन गया फ्लावर। तो अब क्या होगा, जो ऐसे ग्रोथ हो रही थी एक्सिस की वो नहीं होगी, अब ब्रांचेज निकलेंगी, फिर ब्रांच निकली, ब्रांच के ऊपर भी फ्लावर आ गया, फिर उसमें से दूसरी ब्रांच निकलेगी, इतनी सारी ब्रांचिंग इसमें होंगी, इसी वजह से इसको साइमोस बोला जाता है, यानी कि ग्रोथ रुक गई। सेंट्रल में ऐसे जो रेसिमोस ऐसे इलांगेट हो रहा था रस्सी जैसा, ये नहीं होगा, ये निकला और फिर ऐसे हो गया, यानी कि फिर अब स्प्रेड करेगा ये ऐसे 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 पूरा यूं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी साइमोस इनफ्लोरेसेंस में पाई जाती है। सो द टर्मिनल बड बिकम्स अ फ्लावर, इसका जो टॉप वाला टर्मिनल बड है सबसे पहले वही फ्लावर बन गया, ये देख लीजिए, ये फ्लावर जो है बन भी गया और ये फ्लावर सूख भी गया, क्योंकि उसके बाद दूसरे खुलेंगे, तब तक तो उसका काम खत्म हो गया। So the terminal bud becomes a flower, the main axis has limited and determinate growth. तो main axis की growth ही कहाँ है, flower आ गया tip पे, बात खत्म। ये देखो ये axis जा रही थी, यहाँ आ गया flower, बात खत्म, ये axis का काम खत्म, अब side निकलेंगी,
ये देखिए साइड में निकल रहा है, फिर यहां से निकलेगा साइड, फिर यहां से निकलेगा साइड, फिर ये जहां टिप हो जाए फिर यहां से निकल सकता है यहां। अब ये भी कई तरह से हो सकता है कि या तो दोनों दिशाओं में निकलेगा या एक ही दिशा में निकलेगा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेन चीज यहां समझ लीजिए कि टर्मिनल आ गया फ्लावर, ग्रोथ हो गई खत्म। सो द टर्मिनल बड बिकम्स अ फ्लावर वेयर द मेन एक्सिस हैज लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ। रेसिमोज में थी इनडिटर्मिनेट, यहां पर है डिटर्मिनेट ग्रोथ। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपेटल सक्सेशन। कैसा सक्सेशन है? बेसिपेटल सक्सेशन है, यानी कि ओल्डर फ्लावर एट द टॉप एंड यंगर फ्लावर एट द बेस, नीचे की तरफ यंगर फ्लावर आएंगे। लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहां पर ये वाला नीचे दिख रहा है, ये वाले सेकेंड वाले ऊपर दिख रहे हैं। बच्चों बात है ब्रांच के साथ ये ऊपर है, ब्रांच नीचे को झुक जाए तो ये नीचे आ जाएंगे, लेकिन मेन एक्सिस तो यही है ना। जैसे मेरे हाथ जो हैं मेरे सर के नीचे से निकले हुए, अगर मैं हाथ ऐसे ऊंचा कर दूं तो क्या हाथ सर के ऊपर से निकल गए क्या? हाथ तो निकले यहीं से है ना, इसको तो हमने ऐसे कर दिया, कहानी तो कुछ यूं है ना। तो यहां पर इसको आप मान लीजिए कि ये तो मेन एरिया हो गया, अब इसके नीचे से निकल रहा है ना, तो लंबा हो गया तो हाथ जैसा चला गया, लेकिन झुक भी तो सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है, तो किसी किसी में ऐसे भी कंडीशन में दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, आपको दिखता है कि अरे भाई ये तो ये नीचे है, इसका लेवल और ऊपर हो गया, तो भैया वो हाथ हैं, सर तो सर है ना, हाथ तो सर के नीचे से निकला हुआ ना, गर्दन के पास से, कंधे के पास से, तो हाथ को हम ऐसे करें या यूं कर दें। ब्लड सर्कुलेशन में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो हार्ट होता है, हार्ट के जो ऊपर के पोर्शंस होते हैं, उन ऊपर के पोर्शंस में जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा से आता है, और हार्ट के नीचे के पोजीशन का जो ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना केवा से आता है। तो हार्ट का पोजीशन यहाँ है, तो हाथ तो हार्ट के ऊपर है ना, लेकिन अगर हाथ आपने लटका रखा तो जो फिंगर का जो ब्लड है, इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ से आएगा? ऊपर की तरफ से ही आएगा, तो सुपीरियर वेना केवा से ही आएगा, इन्फीरियर से तो आ नहीं सकता। इसी तरह से यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपेटल सक्सेशन, यानी कि ओल्डर फ्लावर एट द टॉप, देख लीजिए ओल्डर फ्लावर यानी कि जो सबसे पहले निकला था वो टॉप पर है, ये टॉप पर है, बाकी तो यहां से निकल रहे हैं ना, नीचे से निकल रहे हैं उसके नीचे से हाथ जैसे। तो यंगर फ्लावर आर एट द बेस, समझ में आ गई बात। फ्लावर ओपनिंग इज सेंट्रीफ्यूगल, पिछले वाले में कैसा देखा था आपने? सेंट्रीपिटल, यहां पर है सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो फ्लावर ओपनिंग कैसी है? सेंट्रीफ्यूगल है, अपर फ्लावर ओपन फर्स्ट एंड द आउटर, अपर वाला जो है वो कौन सा है? वो इनर हो गया, और जो बेसल है वो आउटर फ्लावर है, बाहर की तरफ, बाहर मुखी, ये वाले अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। सो नाउ दी सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट इज की क्या है कि अपर फ्लावर जो कि इनर है वो पहले ओपन होगा, और बेसल फ्लावर जो कि आउटर है वो बाद में ओपन होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल। तो साइमोस के साथ बेसिपिटल और सेंट्री, समझ में आ गया? तो इसको याद रख सकते हैं, साइमोस बेसिपिटल सेंट्रीफ्यूगल, साइमोज बेसिपिटल सेंट्रीफ्यूगल, ये तीन टर्म को एक साथ अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ग्रुपिंग कर लीजिए, तो कभी भी आपके साथ गड़बड़ी नहीं होगी इसको याद रखने में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों समझ में आया? श्रवण बहुत बढ़िया, गायत्री, पोकर, जोया, चलिए उत्कर्ष बहुत बढ़िया, सृष्टि, चंदन, शिखा, मनंजय, सबको समझ में आ गया, बहुत उम्दा। तो अब यहां तक आप समझ चुके हैं कि दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। अब इन दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस के बहुत सारे डिवीजन हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज के सेशन में थोड़ा सा और रहता है, स्पेशल टाइप तो देख लेते हैं डिटेल में, ऑफ कोर्स स्पेशल टाइप के बारे में भी कल के सेशन में पढ़ेंगे, नाम एक बार देख लेते हैं। द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। हाइपैंथोडियम, हाइपैंथोडियम एक अनोखा इन्फ्लोरेसेंस है, देख लीजिए इसको बोलते हैं हाइपैंथोडियम, ये फिग है, इस फिग फ्लावर को कट करके दिखाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारे पॉलिनेटर्स पहुंचते हैं, छोटे छोटे मौत होते हैं, पॉलिनेटर्स हैं इसके अंदर तक जाते हैं, और इसको अंजीर भी बोलते हैं, गूलर भी बोलते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है हाइपैंथोडियम। आप देख करके बोलेंगे सर ये तो फल जैसा लग रहा है, ये फल बिल्कुल नहीं है, थैलमस है, फ्लावर इसके अंदर की तरफ है, सारे के सारे अंदर की तरफ हैं फ्लावर, और नीचे से एक ओपनिंग होती है जिससे पॉलिनेटर्स जाते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें। नाउ इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है सायाथियम इन्फ्लोरेसेंस, सायाथियम इन्फ्लोरेसेंस ये देख लीजिए, यहां पर सेंट्रल में से एक एक्सिस निकल आता है बिल्कुल बाहर,
पॉलिनेशन के लिए. सो दैट स्पेशल अरेंजमेंट इज फाउंड इन सायाथियम इनफ्लोरेसेंस. इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ कल हम इस पर बात करेंगे. इसके अलावा एक और है वर्टिसिलास्टर. वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस ये देख लीजिए आप. वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस लैबिएटी फैमिली में पाया जाता है. इसके पहले भी हम लैबिएटी फैमिली को देख चुके हैं. सो दिस इज वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस. इनके क्या क्या स्पेशल कॉन्ट्रीवेंसेज हैं, कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में कल के सेशन में हम जानकारी लेंगे. तो आज यहीं तक बच्चों. इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप यूज करिए कोड प्रदीप लाइव. न्यू कोर्सेज आर ऑलरेडी बीइंग लॉन्च्ड. तो सीखते रहिए, लर्न करते रहिए. हमारी जो 11th की क्लासेस चलती हैं वो देख लीजिए YouTube पर. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी 7 PM, फिजिक्स 8 PM, केमिस्ट्री 9 PM. और इसके अलावा याद रहे एक और सेशन चलता है विच इज फ्रॉम 4 to 5, जिसमें मैं आता हूं आपके सामने फॉर 11th. 12th के लिए जो टाइमिंग है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, बायोलॉजी 7 PM, फिजिक्स 8 PM, केमिस्ट्री 9 PM. और इसमें एक और स्लॉट है बायोलॉजी का फ्रॉम 4 to 5, जिसमें सचिन सर आते हैं आपके साथ और मैं रहता हूं आपके साथ 7 to 8 PM के स्लॉट में. अनअकैडमी JEE, अनअकैडमी फाउंडेशन, अनअकैडमी नीट ऑल आर आवर सिस्टर चैनल. सो टुगेदर लेट्स क्रैक इट. और बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं. ये गुनाह नहीं करना है. सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत के तुरंत और इसके बाद प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. और अगर सेशंस पसंद आते हैं तो सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी कर सकते हैं #NEETLifeDaily के थ्रू. दैट्स ऑल बच्चों. टुमारो वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस. टेक केयर. बाय बाय.